2002 में मतलब बांध टूटा हुआ था, उसके बाद अभी तक हालात थोड़ा बहुत बुरा है, सामने बहुत बदतर स्थिति है, तो पूरा जाफरपुर पूरा डूब गया, बहुत बुरा हाल है, देखे रहे हैं आपके सामने। सीतामढ़ी जिले के 3 जगहों पर बागमती नदी की बांध टूटने से 3 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। बता दें कि 22 साल के बाद बागमती नदी अपने रौद्र रूप में आई है, जिसके वजह से इलाके के 50 गांव से अधिक के 3 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। बता दें कि बेलसंड और रुनीसैदपुर के 3 जगहों पर बांध टूटी है। बेलसंड के मदकौल और रुनीसैदपुर के तिलक ताजपुर में बागमती नदी की बांध टूटी है, जिसके बाद से बाढ़ की त्रासदी बढ़ते गई और लोग ऊंचे स्थान पर भागते हुए नजर आए। लोकल 18 की टीम पहुंचकर लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि 22 साल के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। 2002 में मतलब बांध टूटा हुआ था, उसके बाद आज टूटा है जी। लापरवाही यहाँ पर विभाग का लापरवाही है, स्कूटी भी इंजीनियर सवेरे से नहीं था, नहीं कोई प्रभाव मतलब था, इसके कारण टूटा है। सब फोन करके थक गए हुए थे, सब आदमी जनता से लेके अपने बालू माटी भर कर बहुत परेशान। मेरा नाम कमल कुमार हुआ। सामने बहुत बदतर स्थिति है, बेलसन करियानी छपरा करियानी रोड है, हाँ मुख्य सड़क है, बहुत समझिए मतलब तो पूरा जाफरपुर पूरा डूब गया। इस रोड पर हमको लगता है 3 फीट पानी होगा। मनोज कुमार, अभी तक हालात पूरा बहुत बुरा है, स्थिति बहुत बेहतर है। कितने साल के बाद ऐसा स्थिति आया? मुझे 2001 के बाद स्थिति आया है। बांध फिट अभी तक ऊंचा तो कोई टूटते जा रहा है, इससे बहुत गांव प्रभावित है। जयराम पान, पूरा हाल है, देखे रहे हैं आपके सामने का सब कुछ दृश्य दिखे रहा है। वो लगता है कि ये 20-22 वर्ष के बाद ऐसा स्थिति आया है, जो परिस्थिति है वो सामने आपको नजर आ रहा है। देख लीजिए कितना बाढ़, और यहाँ के क्षेत्रवासी पूरा एकदम तराहिमाम हो चुका है। कितने लोग प्रभावित होंगे? हमको लगता है कि लगभग 500 घर भी प्रभावित हुआ होगा अभी तक। सीतामढ़ी से न्यूज 18 लोकल के लिए भरत चौबे की रिपोर्ट।